हेलो डियर, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए उसी सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स का, स्थिति विज्ञान का, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि साम्य अवस्था, बलों का संतुलन। तो इसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी तीन बल संतुलन में होंगे तो या तो वो संगामी होंगे और या तो फिर वो समांतर होंगे, यानी या तो वो कंकरेंट होंगे, एक ही बिंदु से होके तीनों पॉइंट, तीनों फोर्सेस जा रहे होंगे, और या तो फिर वो एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरालेल होंगे। तो अगर कंकरेंट हैं तो हम लामी का थ्योरम यूज करते हैं जो हम आपको बता चुके हैं, पैरालेल हैं तो भी एक डिस्टेंस निकालेंगे सभी फोर्सेस के बीच की, और सभी बल अदर दो फोर्सेस के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होंगे। इसके बाद फिर लाफ ट्रायंगल, लाफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, लैम्डा म्यू थ्योरम, इनवर्स ऑफ ट्रायंगल थ्योरम, ये सभी के सभी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे बनता है, ठीक है ना। किसी भी फोर्स का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट क्या होगा, वियोजित भाग क्या होगा किसी भी बल का, क्षैतिज दिशा में और लंबवत दिशा में, ये हमने बता दिया है आपको। फिर इसके बाद लामी का थ्योरम यूज करके हमने कहा था कि अगर कोई भी तीन बल किसी बिंदु ओ पर, त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु ओ पर, ओ ए, ओ बी, ओ सी डायरेक्शन में लगे हैं, और वो ओ आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड है अगर, तो क्या रिलेशन बनते हैं। इन सभी से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेने का मतलब है कि 100% कम से कम तीन चार क्वेश्चन आपके श्योर हो गए, आना ही आना है वो। स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स मिला करके 10-12 क्वेश्चन आना है, 10-12 करीब ही, और पूरे के पूरे सही हो जाएंगे जो है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल 100% ऐसा जो है लिखा हुआ है कि इसको तैयार करने के बाद फिर किसी बुक का यही लगाने का तरीका जरूर आना चाहिए। इसके बाद फिर हमने कहा था कि जब बल लगे होंगे जो है भुजाओं के अनुदिश, और उनका रिजल्टेंट पासेस होगा कहां से, रिजल्टेंट उनका पासेस होगा सेंट्रोइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर से। तो अब आज वहीं पर हमें शुरू करना है, ठीक है डियर, वहीं से शुरुआत हम लोग आज की करते हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, बाकी सभी चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं, वो डिटेल से आपके पास है भी कि किस तरीके से लामी का थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना, रिजॉल्व पार्ट कैसे निकालते हैं, फोर्सेस ऑफ पॉलीगन, ये सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं पूरा डिटेल से। लामी का थ्योरम पूरा आपने पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ जरा, कि अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं, इसको मैंने दिया था उसमें से ये पूरा नोट्स, ठीक है ना, ये मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये सभी नोट्स आप पूरा डिटेल से बना सकते हैं इसमें से, ये सब हम आपको समझा चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, ये हो चुका है इसमें से, ये डिटेल्स हमने दे दिया है कि अगर कई बल लगे हुए हैं, कंकरेंट हैं, और इसके बाद वो भुजाओं के अनुदिश हैं, तो भुजाओं के अनुदिश हैं तो फिर एक ही पॉइंट से पासिस होंगे, मतलब रिजल्टेंट एक ही बिंदु से होकर के जाएगा, फिर कन्वर्स है ये, फिर यहाँ पर जो है पी क्यू आर संतुलन में है, एक ही बिंदु पर है, तो ये भी डिटेल हमने आपको बताया है इसमें से। अब आते हैं उसी में आगे, लामी थ्योरम हम आपको करा चुके हैं, और लामी थ्योरम के बाद फिर हमने आपको ये कराया था पैरेलल का कंडीशन, ठीक है ना, और इसके बाद ये रिलेटेड कि अगर संतुलन में है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन दूसरी, लंब केंद्र से होके जा रहा है, ये आपने, ये सभी चीजें आपने पढ़ ली है पूरी की पूरी डिटेल से, हमने आपको बताया था ये कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बन जा रही हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है हम लोग, जो आज का लेक्चर शुरू करना है हमें, वो ये है कि जनरल थ्योरम ऑफ मोमेंट्स आघूर्ण के लिए, ठीक है ना, सामान्य सिद्धांत क्या होगा। तो बल आघूर्ण का मतलब होता है कि अगर किसी बिंदु के सापेक्ष में बल आघूर्ण निकालना है तो उसकी कंडीशन ये होगी, ये पॉइंट ओ है, ठीक है ना, और यहां पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे,
इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक। इसकी डायरेक्शन ये है, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। अब इसको आप d मान सकते हैं, इसमें से O पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। इधर F वर्क कर रहा है, इधर F वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो O बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट O ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण भुजा, जो ये लंबवत होगा, बल गुणे, ठीक है ना, आघूर्ण भुजा। तो D हमने लिख दिया है, क्या मतलब होता है इसका, बल आघूर्ण का मतलब है, इसकी जरूरत आगे बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको अभी, ठीक है ना, क्योंकि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना होगा। बल आघूर्ण का मतलब है बल गुणे आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा ये है जो बल पर लंबवत होगी, इसको हम कहेंगे, ठीक है ना, बल गुणे आघूर्ण भुजा, ये मोमेंट का फार्मूला है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बल भी लगे होंगे तब भी यही कंडीशन होगी, सेम यही केस होगा इसमें से। तो यहां पर कंडीशन पूरी दी हुई है यहां पर कि द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द देयर रिजल्टेंट्स। अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं किसी एक ही पॉइंट पर, सभी पैरेलल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उससे जो भी मोमेंट आएगा, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सभी बल लगे हुए हैं तो सभी बलों का बलाघूर्ण उनके परिणामी के बलाघूर्ण के बराबर होता है, उनके परिणामी के बलाघूर्ण के बराबर होता है। तो ये तो बलाघूर्ण की डेफिनेशन हो गई कि बलाघूर्ण क्या है उसमें, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब गन्ने की पिराई होती है तो जो है एक जो कोल्हू होता है उसमें से बैल लगे होते हैं, तो बैलों के द्वारा गांव में जो है किसान जब उसकी पिराई करते हैं, गन्ने की रस निकालते हैं, तो उसमें यहाँ पर इस जगह बलाघूर्ण लग रहा है और ये रॉड है और बैल ऐसे खींच रहे हैं, बल कैसे लगा रहे हैं वो सभी, बल ऐसे खींच रहे हैं और ये लंबाई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो आघूर्ण लग रहा है उसमें से वो जो है ये रॉड और जितना बल वो लगा रहे होंगे बैलों के द्वारा लग रहा होगा, एक नहीं सिंपल से एक एग्जाम्पल समझने के लिए, वो बलाघूर्ण हो जाएगा, ठीक है डियर। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर बहुत सारे बलाघूर्ण लगे हैं तो अलजेब्रिक सम जो है जीरो हो जाएगा, अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा, कब, जब रिजल्टेंट वहां से पासिस होगा। ये देखिए कंडीशन इसमें से ये पूरा हमने लिख दिया है यहाँ पर, लेट टू लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द बॉडी इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमने पहले ही बता रखा है कि आर इक्वल टू पी प्लस क्यू होगा, ठीक है, आर इक्वल टू पी प्लस क्यू होगा। तो ये है डिस्टेंस, फिर फोर्स, ये है डिस्टेंस, ये फिर फोर्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर कि ये पैरेलल फोर्स है क्यू, ये है आर, ये है पी, ठीक है ना, और आर जो है डिस्टेंस आपको निकालना है इसमें से। तो अब इसमें ये बेसिक हमने पूरी चीजें लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर खास आपको देखना है इसमें से, इफ ए नंबर ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी हैव ए रिजल्टेंट, देन द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द पॉइंट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट है सभी बलों के सम के बराबर होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, सभी बलों के बराबर होगा, जितने भी बल लगे हुए हैं सभी के बराबर ही होगा, सभी के बराबर होगा, ठीक है। अब सभी के जब बराबर होगा तो अगर हम सभी के डिस्टेंस आर मान के चलते हैं तो ये आर वन, आर एफ वन, आर एफ टू, आर एफ एन हो जाएगा, आर कॉमन लेंगे हम जब इसमें से तो बाहर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहां से तो ये पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, जरा देखिए ये है
कि जैसे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर पैरेलल फोर्सेस ढेर सारे लगे हैं, सभी के सभी यहाँ पर F1 लगा हुआ है, ठीक है ना, F2 लगा है, F3 लगा हुआ है, F4 लगा हुआ है, डेड डैश करके FN लगा हुआ है, ये फोर्सेस F1 है, फिर F2 है, F3 है और FN, F4 हो गया, डेड डैश करके हमने FN कर दिया, इतने सारे फोर्सेस ये लगे हैं इसमें से, ठीक। इसके बाद ये है पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं कि ये है R1, ये डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं हमें कि ये है R2, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं हम कि ये है R3, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई RN, ये डिस्टेंस हो गई डियर पूरी। तो अगर हम सभी का जो है बलागुण निकालेंगे तो इनमें से एक रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलिए सपोज करिए कि ये है रिजल्टेंट, ठीक, ये हो गया R रिजल्टेंट। अब इन ये सभी बलों के योग के इक्वल होगा, ये सपोज करिए A1 हो गया, ये A2 पर लगा है, ये A3 पर है, ठीक है ना, ये A पर ही लगा हुआ है, उसी तरीके से ये A4 हो गया और ये हो गया AN, ठीक है ना। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, यानी सभी बल आघूर्णों का बीजी योग इज इक्वल टू जीरो, कहेंगे सभी बल आघूर्णों का बीजी योग, सभी बल आघूर्णों का बीजी योग क्या होगा डियर, इसमें जीरो हो जाएगा, योग इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि R1 इंटू F1 प्लस R2 इंटू F2 प्लस R3 इंटू F3 डेड डैश प्लस RN इंटू FN इक्वल टू जीरो, सभी बलाघूर्णों का योग जीरो हो जाएगा। क्यों? जब उसमें से रिजल्टेंट भी हम लेंगे, और रिजल्टेंट जो है जिस पॉइंट से पासेस होगा, जब वो भी डिस्टेंस हम यूज कर लेंगे उसमें, तो अपने आप को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट यहां पर है, तो यहां पर सभी बलों का सम लग रहा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट पूरा का पूरा सब उसी पर जाएगा, सभी बलों का योग। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी पिंड को खींचा जाए और बहुत सारे लोग मिल करके उसको खींच रहे हों, तो सभी बलों का परिणामी योग R इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 डेड डैश प्लस FN, सभी के सम के बराबर होगा। ये आघूर्ण भुजा होगी, यानी इन सभी बलों का बलाघूर्ण इसके बलाघूर्ण के बराबर हो जाएगा परिणामी के, और ये परिणामी भी अगर उसी पॉइंट से होकर के जाता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि सभी बलों के बलाघूर्णों का बीजी योग जीरो हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कि जब, जैसे सपोज करिए तीन बल लगे हुए हैं या दो बल ही लगे हुए हैं, तो दो बल अगर लगे हुए हैं पी और क्यू, तो पी और क्यू का बलाघूर्ण निकालेंगे तो उनका बलाघूर्ण रिजल्टेंट के बलाघूर्ण के बराबर होगा, और जब उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो उन सभी का सम जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हुआ, ट्रांसफर करके लाएंगे आप, जैसे यहां पर P प्लस Q इक्वल टू R है सपोज करिए, ठीक है ना। अब यहां पर हो गया R1, ये हो गया R1 P प्लस, यहां पर मैं X लेट कर ले रहा हूं, क्योंकि R1 तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर, X1 P प्लस X2 Q और ये सपोज करिए X3 हो गया R। अब ये दिया हुआ है रिजल्टेंट, ठीक है ना, तो अब इसको अगर हम सम करके लाएंगे इधर, ये बनेगा X1P प्लस X1 X2 Q और ये माइनस जब इधर आएगा तो माइनस डिस्टेंस इसमें से ले ली जाएगी, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस माइनस में आ जा रही है, तो अगर हम इधर लाएंगे इसका तो सम भले ही माइनस में आ रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा X3 R इक्वल टू जीरो,
ऐसे बन जाता है जब रिजल्ट एंड की इक्वल ही होगा। मतलब बल अघूर्ण का मतलब ही होता है कि बल गुणे अघूर्ण भुजा, ठीक है ना। तो बल सभी बलों के बल अघूर्ण का योग इक्वल टू रिजल्टेंट का बल अघूर्ण होता है। तो जब हम उसको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे और इक्विलिब्रियम में होगा वो बॉडी वो पिंड, तो फिर बीजी योग जीरो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। अब इसी का यूज करके, यानी जो आपको हमने अभी बल अघूर्ण के बारे में बताया, ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ है डेफिनेशन रिलेटेड, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा सब चीज हमने लिख दिया है इसमें से, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है इसमें से, वो यहां से शुरू कर रहे हैं। इस पर आ जाइए, नंबर वन पर, आज का इंपॉर्टेंट वन, आज का इंपॉर्टेंट वन ये है कि जब कोई भी तीन बल पी क्यू आर साइड बी सी सी ए और ए बी किसी त्रिभुज ए बी सी के ऑर्डर से लिए जाते हैं और उनका रिजल्टेंट उनका परिणामी कहां से पासिस होता है, इन सेंटर से। अगर इन सेंटर से पासिस होता है, अंतः केंद्र से पासिस होता है, तो फिर आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको निकालनी होगी इसमें से, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो प्रूफ हम कर ही दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को इसको नहीं करना है, ठीक। तो इसमें क्या कंडीशन, ये कैसे बनेगा, ये चलिए आते हैं समझाते हैं हम इसको। बस अब एक थ्योरी आप याद रखिएगा, जैसे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब कोई भी तीन बल किसी पॉइंट इन सेंटर अर्थो सेंटर सरकम सेंटर सेंट्रॉइड से ओए ओबी ओसी दिशा में लगे हुए हैं और ऐसे लगे हुए हैं और इक्विलिब्रियम में भी हैं, संतुलन में हैं सभी बल, तो फिर कंडीशन क्या बनती है। वो चार कंडीशन थी, चारों इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें बल ए बी बी सी और सी ए के जो है एलॉन्ग लगे हुए हैं और जो रिजल्टेंट है इनका परिणामी वो पासिस होता है इन सेंटर से, ठीक है ना। वो पासिस हो रहा है कहां से, इन सेंटर से। यहां देखिए, ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में यहां पर है ए बी और सी, इधर लगा हुआ है बल पी, इधर लगा हुआ है बल क्यू और यहां बल लगा हुआ है आर, ऑर्डर से लगे हुए हैं ए बी, ठीक है ना, ठीक है। ए के एस, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ऐसे लगा हुआ है। अब इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है क्योंकि इन सेंटर की बात कर रहा है, तो ये जब इन सेंटर की बात कर रहा है तो इसके अंदर एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये है इसका जो रिजल्टेंट पासेस है, डियर कहां से पासेस है, यहां से पासेस है, इसी को हम वो मान लेते हैं, इसी को हम वो मान करके चलेंगे। तो यहां से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए क्योंकि एक बल ये लगा है, दूसरा बल यहां ये लगा हुआ है, तीसरा बल यहां लगा हुआ है, ये तीनों डिस्टेंस चाहिए हमें, ये डिस्टेंस, यही ओ है, ओ पर ये तीनों बल लगा है। तो ये देखिए, ये यही बल अघूर्ण का कंडीशन लग रही है, सेम वही चीज कि ऐसे लगा है ये बल, तो इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, आर हो गई, क्योंकि ये तो क्या है, रेडियस है ना, इन सर्कल की रेडियस है, वही डिस्टेंस इधर भी होगी आर, वही डिस्टेंस आर इधर भी होगी, तीनों आर होंगे। अब तीनों बल लगे हैं, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण इसका, बल आघूर्ण इसका, बल आघूर्ण इसका, तीनों का सम जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जिस पॉइंट से, इसकी कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट से हमें बल अघूर्ण निकालना है, रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से होकर के जाए, वो से हमें बल अघूर्ण सभी का निकालना है हम, और रिजल्टेंट भी उसी से जा रहा है ना, तो फिर रिजल्टेंट से जो है, उस पॉइंट से रिजल्टेंट की डिस्टेंस जो निकालेंगे वो तो जीरो हो जाएगी ना, समझ पा रहे हैं। जो अभी हमने बताया आपको इसके पहले का पार्ट, उसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये जो हमने लिखा है, उसकी कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट से, जैसे यहां पर वो है, ठीक है ना, तो अभी हमने यहां पर लिखा था ये, ठीक, कि यहां रिजल्टेंट हमने मान लिया, तो अगर यही पॉइंट जो है, इसी पॉइंट से ही हमें बल अघूर्ण निकालना हो, तो फिर ये सभी के सम जीरो हो जाएगा। तो यहां से और अच्छी तरीके समझ लीजिए आप इस बात को, इन सभी का रिजल्टेंट
जो परिणामी जो है इसका परिणामी है वो यहीं से पासिस हो जा रहा है, ठीक है ना, यहीं से पासिस है। मान लेते हैं मैंने ऐसे खींच दिया, ये तीनों ऐसे लगे हुए हैं, सपोज करिए कि ऐसे जा रहा है, ये इसी से निकल गया रिजल्टेंट आर, इसको हम मान लेते हैं ये सभी का सम तीनों बल का परिणामी हो जाएगा, ये पी प्लस क्यू प्लस आर ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, कंडीशन ये होती है कि सभी बलों का बड़ा बल आघूर्ण उसके परिणामी के आघूर्ण के इक्वल होता है, मतलब ये कि आर इंटू पी प्लस आर इंटू क्यू प्लस आर इंटू कैपिटल आर, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, सभी बल का योग, परिणामी तो सभी बलों का योग ही होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर ये हो गया। लेकिन ये उसी बिंदु से पासिस है जिस बिंदु से बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, ये प्रूविंग का कॉन्सेप्ट है कि जिस बिंदु से हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं अगर परिणामी उसी बिंदु से होके जाता है तो अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, बल आघूर्ण का मतलब आप समझ गए, बल गुणे आघूर्ण भुजा होता है, ठीक है ना, जिस बिंदु से हमें अबाउट निकालना है उस बिंदु से बल की दूरी कितनी है वो आघूर्ण भुजा हो गई, ठीक है ना, डिस्टेंस और बल। तो अगर बहुत सारे बल लगे हैं तो सभी बलों की डिस्टेंस निकालते जाएंगे और जब समेशन निकालेंगे तो उसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम बीजी योग। लेकिन ये हमेशा किसके इक्वल होता है, सभी बलों के परिणामी के बल आघूर्ण के बराबर। तो अगर परिणामी के बल आघूर्ण की डिस्टेंस अगर दी हुई है कोई, तब तो हम लिख देंगे उसको, सपोज करिए आर एन आर कुछ भी लिखा है, मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर मान लेता हूँ, इस जगह यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल आर वन मान लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर ये आर वन उसी से पासिस है, उसी पॉइंट से पासिस है, तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, बट रिजल्टेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, ओ से ही पासिस है ये, और जब उसी से पासिस है इसका मतलब ये हुआ कि फिर आर वन की वैल्यू जीरो लेनी पड़ेगी ना, फिर तो डिस्टेंस बची नहीं। अगर बल उसी पॉइंट से जा रहा है जिस आघूर्ण दिशा में तो बल आघूर्ण जीरो हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो गई वो, इसलिए ये पार्ट तो जीरो हो गया डियर। तो फिर बचा क्या आपके पास, फिर बच रहा है आर कॉमन ले लेते हैं यहां पर हम, पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है ना, ये जीरो हो गया। अब आर तो जीरो हो नहीं सकता, डिस्टेंस तो जीरो होगी नहीं भाई इसमें, क्योंकि अलग अलग है, क्योंकि इन सेंटर है ये। तो फिर पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, ये है प्रूव करने का तरीका, मतलब केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हर बार आपको, ठीक है ना डियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर बार आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिखा, ये देखिए ये। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी तीन बल भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के अलोंग लगे होंगे, अनुदिश लगे होंगे आर्डर से, तो फिर परिणामी अगर इन सेंटर से होके जा रहा है और इन सेंटर से हमें सभी की डिस्टेंस निकालनी है तो फिर हमेशा अलजेब्रिक सम जीरो हो जाता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, हमने डेरिवेशन भी पूरा करा दिया कि क्यों ऐसा होता है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टू। इसमें कह रहा है वही कंडीशन कि तीन बल पी की वार त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश लगे हुए हैं ऑर्डर से, और इनका रिजल्टेंट कहां से पासिस है, सेंट्रॉइड से पासिस है। तो अगर सेंट्रॉइड से पासिस है तो इसका मतलब है कि कंडीशन ये होगी, फिर सेंट्रॉइड से पासिस है तो कंडीशन ये होगी, ठीक है ना, कंडीशन ये होगी पी अपान साइन ए प्लस क्यू अपान साइन वी प्लस आर अपान साइन सी इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इसी को निकालना है, यहाँ पर थर्ड भी आ गया है ये, ठीक है ना, ये वाला थर्ड भी है, तो थर्ड वाले को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक, पहले इसको प्रूफ कर लीजिए आप। तो जब आप ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है ना, अब इसमें से क्या बोला है, इसमें से कह रहा है सेंट्रॉइड से पासिस है तो फिर हम ट्रायंगल बनाते हैं। पहले ये बनाया हमने ट्रायंगल, ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि सेंट्रॉइड कहाँ होता है, मीडियन पर, ठीक है ना, सेंट्रॉइड कहाँ होगा डियर, मीडियन पर।
तो मीडियम से मिला दीजिए इसको, मध्य बिंदु से मिला दीजिए आप इसको, ये मिला दिया हमने मध्य बिंदु से, ठीक। अब इसके बाद यहां से जरा परपेंडिकुलर भी डाल दीजिए आप, इस जगह जी ये है, ठीक है ना, यहां पर ए है, इस डायरेक्शन में पी लगा है, इस डायरेक्शन में क्यू लगा है, इस डायरेक्शन में आर लगा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये 90 है, ये भी 90 है, तो इसको हम डी मान ले रहे हैं और इसको एम मान लेते हैं, चलिए इसको एन मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखना है आपको, डेरिवेशन में समय लगेगा, जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर समय लग जाएगा, तो आपको करना क्या है इसमें से, ये डिस्टेंस को निकालने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को लेना है आपको, इन ट्रायंगल ए एन डी एंड ट्रायंगल जी एम डी, इसमें ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ही ट्रायंगल समरूप होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे जी एम डी। अब जब समरूप होंगे तो हमें ये निकालना है ये वाली लेंथ, तो आ जाइए जी एम, छोटी साइड और ये परपेंडिकुलर, ये भी है परपेंडिकुलर, ये भी है ए एन, ये हो गया। इसके बाद ये वाली साइड, ये साइड वन है और ये टू है, तो छोटी वाली वन है, पूरी वाली थ्री है, तो फिलहाल मैं साइड लिख दे रहा हूं जी डी अपान ए डी, लेकिन ये इक्वल टू है 1/3। इसका मतलब हमें जी एम निकालना था, तो जी एम इक्वल टू आ गया 1/3 ए एन, लेकिन ए एन की वैल्यू बहुत जरूरी है, ए एन की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है कि ए एन है क्या, ठीक है, ए एन जब मालूम हो जाएगा इसमें से तो बाकी फिर उसी फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो ए एन निकालने के लिए आ जाते हैं, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाते हैं इसमें से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा ले लीजिए आप, ठीक है ना, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी सी, बी सी इंटू ए एन, ए एन। अब हम 2 को इधर ले आते हैं, ए एन की वैल्यू निकालना है और बी सी इक्वल टू है कितना, ए है, बी सी इक्वल टू ए है, इसकी जगह पर बी सी इक्वल टू ए आपको दिख रहा है इसमें से, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 2 डेल्टा अपान में ए, ये आ जाएगा ए एन की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई, इस जगह हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा जी एम, जी एम इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, 2/3 हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा और अपान में ए, ये जीएम की वैल्यू। अब जैसे ये ए के टर्न में आया है वैसे ये वाला भी आप निकालेंगे डिस्टेंस, यहां से आप निकालेंगे ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 डेल्टा अपान 3 बी, ठीक है ना, उसी तरीके से ये डिस्टेंस हो जाएगी इधर जब आप निकालेंगे ये इसी जी से, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा अपान 3 सी। ये सभी डिस्टेंस हमारे पास आ गई, केवल एक डिस्टेंस का यूज आपको कर लेना है, केवल एक डिस्टेंस आपको निकालना है, बस कॉन्सेप्ट समझ करके रखिएगा इसमें से, अगर कभी मिस हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है तो आप निकाल सकते हैं इसको, बस इसके बाद सीधे रख दीजिए पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू में जो है, तो ये बन जाएगा देखिए पी इंटू 2/3 डेल्टा अपान ए प्लस क्यू 2 डेल्टा अपान 3 बी प्लस आर इंटू 2 डेल्टा अपान 3 सी इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको कॉमन दिख रहा होगा 2 डेल्टा/3 कॉमन ले लेंगे आप, तो पी अपान ए हो जाएगा प्लस क्यू अपान बी हो जाएगा प्लस आर अपान सी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन आपके पास ये आ गया, वो उसमें नहीं लिखा है, मैंने आपको ये डेरिवेट करके बताया है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक ये हो गया आर अपान सी इक्वल टू 0, ये भी आपको तैयार रखना है। लेकिन साइन रूल से आपको पता भी है इसमें,
बाई साइन रूल आपको क्या मालूम है? बाई साइन रूल इसमें आपको पता है कि ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। ये देखिए, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ये हो जाता है। तो जहां पर ए बी सी लिखा हुआ है वो रेशियो चेंज करके हम इसमें ला सकते हैं, मतलब ये रेशियो जब हम निकालेंगे तो कुछ भी लेट कर सकते हैं आप। ये देखिए, सपोज करिए हमने लेमडा लेट भी कर लिया तो ए इक्वल टू लेमडा साइन ए लेमडा साइन बी लेमडा साइन सी सभी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और वो वैल्यू हम जैसे ही रखेंगे तो लेमडा सबका कॉमन आ जाएगा तो ट्रांसफर करके उधर हो जाएगा। मतलब ये कि पी अपान साइन ए क्यू अपान साइन बी प्लस आर अपान साइन सी, ये दोनों ही फार्मूले आपको सेंट्रॉइड के लिए तैयार रखने हैं। ये दोनों ही फार्मूले डियर सेंट्रॉइड के लिए आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया ये इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला क्या था कि अगर इन सेंटर है तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू जीरो होता है, और अगर सेंट्रॉइड से पासेस है रिजल्टेंट, ठीक है ना, तो फिर सभी का अलजेब्रिक सम जीरो होगा, सभी मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम जीरो होगा, समेशन जीरो होगा। तो कंडीशन आ जाएगी P अपान A प्लस Q अपान B प्लस R अपान C इक्वल टू जीरो, अदरवाइज P अपान साइन A प्लस Q अपान साइन B प्लस R अपान साइन C इक्वल टू जीरो, ठीक है डियर, ये कंडीशन बन जाएगी। अब थर्ड वाले को देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट थर्ड का भी है, आज का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट। थ्री वही कंडीशन है, थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड ए बी बी सी सी ए, ठीक है, एंड रिजल्टेंट पासेस थ्रू द आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर से पासेस है इसका रिजल्टेंट, तो कंडीशन बन करके आएगी P sec A plus Q sec B plus R sec C equal to zero. Otherwise, P upon cos A plus Q upon cos B plus R upon cos C equal to zero. ये कंडीशन बन जाएगी, ये दोनों एक हैं। अब इसकी प्रूविंग के लिए आते हैं। प्रूविंग वही है, देखिए अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, और मैं तो यही कहूंगा कि आपको तैयार रखना है, इसको याद ही रखिएगा, भूलना बिल्कुल ही नहीं है आपको इसको, क्योंकि 100% एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलना ही है। प्रूविंग इसकी ये होगी कि किसी भी ट्रायंगल में जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये वाला भी, ये ठीक है, ये है ए, ये हो गया बी, और ये डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, और ये हो गया सी, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन जहां से हो रहा है वही है आर्थो सेंटर। ये तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है, ओडी हमें ये चाहिए, OD चाहिए, इसी तरीके से OE चाहिए, और इसी तरीके से इधर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इधर वाला भी यही हो जाएगा। फिलहाल मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए पर्याप्त है उतना, ठीक है ना, यही चाहिए हमें, क्योंकि इस पर P वर्क कर रहा है, इस पर Q वर्क कर रहा है, और इस पर R वर्क कर रहा है। अब डियर यही डिस्टेंस निकालने के लिए हमें तो फार्मूला तो याद ही रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखना है, P sec A, Q sec B, R cos R sec C equal to zero। लेकिन फिर भी अगर कहीं डाउट ही हो गया कुछ कि R sec था कि cos sec था कि cos मल्टीप्लाई में था कि sec मल्टीप्लाई में था, और अगर इतना कंफ्यूजन हुआ गलत हो गया तब तो बेकार हो जाएगा ना, तो फिर सेकंडों में निकाल लीजिए इसको। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको क्या चीज चाहिए हमें, यहां से देखिए, ये 90 है और ये C है, तो ये C है ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस C आ जाएगा, ये 90 माइनस C आ जाएगा, ठीक है। अब ये 90 माइनस C है, ठीक, ये पूरा एंगल B है,
ये पूरा एंगल बी आ जा रहा है इसमें, ये देखिए ये पूरा एंगल बी है। तो पहले सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, जरा इसको निकालेंगे तब ये आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी पहले ले रहा हूँ इंटर एंगल में, ये मैंने एंगल निकाल दिया है क्योंकि ये 90 है, ये सी है, तो ये 90 माइनस सी हो गया। अब इसमें आते हैं, इस वाले ट्रेंगल पर, इंटर एंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या है, ए बी डी में ये साइन बी, ये वैल्यू किसके इक्वल है, सी के। ये साइड सी है, ये एंगल बी है, और ये निकालना है। तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस का मतलब कॉस बी, कॉस बी यानी बी डी अपान में ये रहा ए बी। तो फिर बी डी इक्वल टू आ गया, ए बी का मतलब सी है, सी कॉस बी, ये हो गया डियर। अब ये आपको पता हो गया और ये निकालना है। तो फिर आ जाइए, नाउ इन ट्रेंगल ओबीडी, ओबीडी में जब ओबीडी में आ जाएंगे, मतलब हमें इसको निकालने के लिए ये वाली साइड चाहिए थी और ये वाली साइड हमें इस ट्रेंगल में दिख रही है, तो पहले इसको तो निकाल लें, ये कॉमन सेंस है, जब एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो। तो जब इसमें आएंगे तो ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये रहा बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज करना है आपको, बेस और परपेंडिकुलर का यूज। तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस सी, टेन 90 माइनस सी इक्वल टू ओडी, ओडी अपान बी डी, ये हो गया। हमें ओडी चाहिए तो ओडी इक्वल टू हो जाएगा बी डी, और बी डी की वैल्यू ये रही सी कॉस बी, और इनटू टेन 90 माइनस सी का मतलब कॉट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर कितना, कॉट सी, ठीक, ये हो गया। अब कॉट सी को थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए आप, तो ओडी इक्वल टू हो गया सी, कॉट सी का मतलब कॉस सी अपान साइन सी, तो सी अपान साइन सी हो गया, और इधर बच गया कॉस बी इंटू कॉस सी, ये बच गया, ये बच गया पूरा इसमें से, ठीक। अब सी अपान साइन सी का मतलब होता है सी अपान साइन सी, ठीक है ना, सी अपान साइन सी हो गया, यहाँ कॉस बी कॉस सी है, ठीक। तो सी अपान साइन सी को आप क्या लिख सकते हैं इसमें से, सी अपान साइन सी को कोई वैल्यू आप ले लीजिए किसी भी चीज की, चाहे जैसे भी, साइन रूल आप जान ही रहे हैं कि ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। अब आपको लेना है तो कुछ भी लेट कर लीजिए, के लेट कर लीजिए, इसका मतलब है सी अपान साइन सी की वैल्यू हम के लेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा के कॉस बी और कॉस सी, ये ऐसे बदल लीजिए। अब ऐसे क्यों बदल रहे हैं, जो थोड़ा सा सिंपल हो जाए, यानी ये कॉमन पार्ट बन जाए पूरे में, इसका मतलब है कि ये कॉमन पार्ट बन जाए। कॉमन पार्ट अगर बन गया तो बड़े आराम से जो है हम कंप्लीट सॉल्यूशन बढ़िया सा निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये बी और सी शामिल हो गया, बाकी कुछ नहीं है, के है, तो उसी तरीके ए और सी शामिल हो जाएगा इसमें। इसकी जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा के कॉस ए कॉस सी, ये आ जाएगा। इसकी जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा के कॉस ए कॉस बी, तीनों एक निकालते हैं सब आ जाता है पूरा, बस अब रख दीजिए सीधे पी इंटू के कॉस बी कॉस सी प्लस क्यू के इंटू कॉस ए कॉस सी प्लस आर इंटू क्यू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक काम करिए, के तो जीरो हो नहीं सकता, बल्कि यहां पर डिवाइड कर दीजिए आप छोटा करने के लिए, ये भी आंसर ही है, डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, के से भी ले लीजिए, के को भी कर दीजिए, तो इधर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस ए नहीं है, तो पी अपान कॉस ए, यहाँ बी नहीं है, कॉस बी, यहाँ सी नहीं है, इक्वल टू जीरो। ये एक कंडीशन बन करके आ गई, या फिर आप इसको लिख देंगे पी सेक ए प्लस क्यू सेक बी प्लस आर सेक सी इक्वल टू जीरो। लीजिए डियर, ये हमने आपको बता दिया।
ठीक है ना, प्रूविंग भी हमने करा देगी कि अभी अगर भूल जाते हैं आप तो ऐसे कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है ये और 100% क्वेश्चन आते हैं इसके। अब इसके बाद अगला नंबर, अगले नंबर में जस्ट उल्टा है। देखिए अभी तक आपने चार पढ़ लिया, चार में क्या है, पहला इन सेंटर है तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, फिर आपने पढ़ा कि सेंट्रॉइड है तो पी अपान साइन ए क्यू अपान साइन ए साइन बी प्लस आर अपान साइन सी सभी का सम इक्वल टू जीरो, या फिर पी अपान ए क्यू अपान बी प्लस आर अपान सी इक्वल टू जीरो। फिर तीसरा पढ़ा आपने कि आर्थो सेंटर से जा रहा है तो पी से के प्लस क्यू से बी प्लस आर से सी इक्वल टू जीरो, या फिर अपान में कास्ट कर दीजिए। अब यहां से बोल रहा है कि सरकम सेंटर से अगर पासिस है तब ये कंडीशन होगी। ये दोनों उल्टा है एक दूसरे के, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। इधर एक आर्थो सेंटर भी और दूसरा जो है इसमें सरकम सेंटर भी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं सेक है तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपान सेक ए प्लस क्यू अपान सेक बी प्लस आर अपान सेक सी इक्वल टू जीरो, ये भी लिखा जा सकता है। उसमें अपान में कास था, इसमें अपान में सेक है, जस्ट अपोजिट है दोनों का, और इतने में ही गलती हो जाती है। अगर चूक जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो गलती ना होने पाए डियर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। तो अब ये इसको भी मैं आपको प्रूव करा देता हूं कि किस तरीके से बन रहा है, देख लीजिए इसकी भी प्रूविंग कैसे बनाइए। ये हो गया एक सर्कल, सर्कम सेंटर हमें बनाना है, और इसमें ये हो गया ट्रायंगल, ये साइड्स हो गई ये साइड्स हो गई, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये साइड क्या होगी, ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। ये इसका रिजल्टेंट है, यानी कि यहां से पासेस है ये। तो अगर इस डायरेक्शन में लिखा होता है तो अलग वैल्यू आती है ना, वो याद रखिएगा, गलती ना होने पाए, ठीक है। और जब इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये लेंथ चाहिए हमें, ठीक है ना, ये लेंथ चाहिए हमें, ये लेंथ चाहिए हमें, ये लेंथ हमें तीनों चाहिए, यानी डी चाहिए ओ से, ओ से डी चाहिए, ओ से ई चाहिए और ओ से एफ चाहिए। तो एक निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ दीजिए, एक निकालना है आपको, ये निकाल लीजिए, फिर अपने आप ही बन जाता है, ठीक है ना। एक आपको निकालना है बस इसमें से। तो आपको पता है कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमेशा साइड हाफ हो जाती है, तो ए बाई टू हो जाएगा, और जो एंगल होता है ये वाला ए हो जाएगा, ये भी होगा, ट्वाइस हो जाता है, ये आपको पता है। हमें ये निकालना है, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, तो फिर हम क्यों ना इस एंगल का और इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए एन ट्रेंगल ओ बी डी, ओ बी डी में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, कॉट कॉट ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, कॉट ए लगाया हमने तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ओडी अपान बीडी हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, ओडी, तो ये हो जाएगा बीडी कॉट ए, ये हो गया डियर, ठीक है ना। बीडी की वैल्यू हमें पता है, BD की वैल्यू हमारे सामने रखी हुई है A, और इसकी भी वैल्यू कर देते हैं cos A अपान sin A, तो sin A यहां कर दिया हमने और अपान में 2 कर दे रहा हूं, ठीक है ना, cos A अपान sin A। अब A अपान sin A का मतलब अभी भी तो आपने पढ़ा, अभी तो आपने पढ़ा कि A अपान sin A का, तो A अपान 2 sin A को मान लीजिए आपकी K हो गया, A अपान 2 sin A की वैल्यू को, हालांकि ये कैपिटल आर के इक्वल होता है, चाहे तो आप आर ही मान लीजिए, ठीक है ना, कैपिटल आर ही मान लीजिए इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, तो आर, लेकिन आर वन मानना होगा क्योंकि रेडियस है इसमें से, ये रेडियस मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, आर वन के ही टर्म में ले लीजिए, वही आता है लगभग। तो आर वन कॉस ए, अब आर वन कॉस ए ओडी हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा किसके सामने है, बी के, तो आर वन कॉस बी हो जाएगा, ये किसके सामने है, सी के सामने, तो आर वन कॉस सी हो जाएगा, ये सभी मिल गए आपको। तो फिर आपको लिखना है पी
इंटू आर वन कॉस ए प्लस क्यू आर वन कॉस बी प्लस आर आर वन कॉस सी इक्वल टू जीरो। तो आर वन तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस है, तो फिर बन गया पी प्लस क्यू, तो फिर बन गया डियर इसमें कितना पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस सी इक्वल टू जीरो, ये बन गया। इस तरीके से इसका डेरिवेशन है बहुत आराम से। तो ये हो सकता है कि आप भूल जाएं, है ना, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर जैसे दिखते हैं, पढ़ने में भी लगता है कि यार इसमें कॉस था कि सेक था, तो चांस है। लेकिन अगर ना भूलें आप तो ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, एग्जाम में समय तो कम रहेगा, 125 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो समय नहीं बचेगा ना। तो जितने क्वेश्चन ओरली हो जाएं और सही हो वो क्वेश्चन हमें करना ही करना है। तो ये प्रयास आपको करना है डियर, इसमें से ये गड़बड़ी बिल्कुल ना होने पाए। तो एक बार पढ़िएगा फिर लिखिएगा फिर पढ़िएगा फिर लिखिएगा, तो मुझे लगता है तैयार हो जाएगा। तो ये चार कॉन्सेप्ट हमने आपको इम्पोर्टेंट वाले बता दिए, ठीक है ना। चार कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा इसमें से, ये वाला इम्पोर्टेंट फोर है, इम्पोर्टेंट फोर। चार पहले पढ़ा था आपने, चार ये पहले लेक्चर में, ध्यान रखिएगा ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये पूरे लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे तो टॉपिक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और जिससे जो है कम से कम दो तीन क्वेश्चन तो श्योर है कि आना ही आना है, सबसे ज्यादा आने वाला कॉन्सेप्ट है इसमें से, सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है ये, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है ये स्टैटिक्स का। अब आते हैं डियर, चलिए अब यहां पर अब इसमें से आ जाइए। अब ये अगला इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने एक साथ लिख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट फाइव नंबर मान लीजिए, ठीक। अब इसकी डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, अभी बहुत करा चुके यार, सब करा ही तो रहे उतनी देर से, आपने ढेर सारा कर लिया है, कुछ अपने मन से भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है ना, जरूरत नहीं है कि आप करते रहें, जरूरत होती तो मैं खुद ही करा देता। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर थ्री लाइक पैरेलल फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल देन देयर रिजल्टेंट एक्ट एट द इन सेंटर, अगर रिजल्टेंट इन सेंटर पर एक्ट कर रहा हो, सर्कम सेंटर पर एक्ट कर रहा हो, आर्थो सेंटर पर एक्ट कर रहा हो, सेंट्रॉइड पर एक्ट कर रहा हो, तो चारों की कंडीशन क्या होगी। तो पैरेलल फोर्सेस का मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी तीन पैरेलल फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, पैरेलल फोर्सेस ट्रायंगल में लगे हैं, ये ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, यहां देख लीजिए ये, अब इसमें पैरेलल फोर्सेस ऐसे लगे हैं, ये लगा है सपोज करिए ऐसा, कलर बदल लेता हूं जरा, ये लगा है, ये ऊपर की ओर कर देता हूं जिससे दिखे आपको, ये हो गया एक, ठीक है ना, ऐसे हो गया सपोज करिए, दूसरा ये पैरेलल फोर्सेस इसके, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है, तीसरा ये भी, ये हो गया, ये सब पैरेलल फोर्सेस हैं, समांतर लगे हुए हैं, ठीक, ये है ए पर सपोज करिए पी लगा है, ठीक है ना, ये बी पर है सपोज करिए क्यू लगा है, ये सी पर है सपोज करिए कि आर लगा है। अब इनका जो रिजल्टेंट है, तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां से, पैरेलल का मतलब यही है कि जब हम पैरेलल बनाते हैं तो पैरेलल का मतलब है कि हमारे पास दो तरीके के पैरेलल फोर्सेस होंगे, पहला तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है ना, लाइक पैरेलल फोर्सेस पहला क्या है इसमें से? आता हूं वापस इसमें, पहले इसको समझा दूं मैं आपको, नंबर वन लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक, तो अगर यहां पर ये लगा है पी ए पर, ठीक है ना, बी पर लगा है यहां पर क्यू, तो रिजल्टेंट इसका ये आर, ये हो जाएगा P प्लस Q के इक्वल, याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, अगर बहुत सारे समांतर बल किसी भी एक लाइन पर लगे हैं, किसी भी एक रेखा पर लगे हैं,
तो उन सभी बलों का परिणामी उनके योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसा है तो रिजल्टेंट हमेशा होगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जब लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे तो। और बाकी कंडीशन आपको पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि ये फोर्स है तो बाकी दोनों डिस्टेंस के अपान के रेशियो के इक्वल होगा, इसी तरीके से हर एक फोर्स का, ठीक है ना। मतलब फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अदर फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल। अगले वाले में क्या है, अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की कंडीशन ये है कि इसमें लगा है बल, ठीक है ना, इसमें बल लगा है, दूसरा बल सपोज करिए ऐसे लगा है यहां पर, और तीसरा बल की डायरेक्शन ये हो गई, ये P है, ये Q है, ये B पर लगा है, ये A पर लगा है, ये C पर है, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई R, तो ये होगा P माइनस Q। रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट आ जाएगा डियर इसका कितना, रिजल्टेंट R इक्वल टू हो जाएगा P माइनस Q। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है कि अगर एक ही क्रिया रेखा पर बहुत सारे समांतर बल लगे हैं, ठीक है ना, एक ही जो है क्रिया रेखा पर, एक ही लाइन पर बहुत सारे समांतर बल एक ही दिशा में लगे हैं, सभी की दिशाएं एक ही जैसी हैं, तो सभी का परिणामी उन सभी के योग के इक्वल होता है, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी कंडीशन ये कि अगर दो बल लगे हैं समांतर, ठीक है ना, और तो इनका रिजल्टेंट होगा जस्ट अपोजिट साइड में P माइनस Q के इक्वल होगा, अगर अनलाइक फोर्सेस हैं तो, अनलाइक फोर्सेस हैं तो। तो एक मिनट में थोड़ा सा समझा देता हूं, जरा पहले इसको आप Q ले लीजिए, ठीक है ना, ये पॉइंट B है, और ये हो जाएगा R इक्वल टू ये P माइनस Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। P माइनस मतलब एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स उधर लगा है, तो फिर उनको बैलेंस करने के लिए, उनको संतुलित करने के लिए जहां पर रिजल्टेंट होगा वो दोनों के P माइनस Q के इक्वल ही होगा। मतलब ये कि जैसे किसी एक पिंड को एक इधर से खींच रहा हो और एक उधर से खींच रहा हो, ठीक है ना, तो दोनों जस्ट अपोजिट हो गए, पैरेलल तो है लेकिन अनलाइक है, एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो श्योर है कि जो ज्यादा बली होगा, जिस पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ताकतवर होगा, वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, लेकिन फोर्स कितना बचेगा, जो रिजल्टेंट बच रहा है वो कितना होगा, P माइनस Q के। जैसे उधर वाला 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर वाला 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इधर ही भी जो है वो पिंड खिसकेगा, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी 15 माइनस 10 यानी 5 आ जाएगा, वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, बाकी वही केस है उसमें से, ठीक है डियर। तो आपको ये बात याद रखना है, ये दो लेक्चर हमने लिया है, ठीक है ना, आप इसके पहले वाला लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये के, और दो लेक्चर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, बस एक लेक्चर में अगले वाले में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तीन लेक्चर में ये टॉपिक आपका जो है 100% फर्स्ट क्लास तरीके से हो गया, बस बढ़िया से आप समझ करके कर लीजिएगा। इस पे देखिए, अब यहां ध्यान रखिएगा, तीन केस हैं, जब फोर्स ही OA OB OC दिशा में लगे होते हैं तो लामी थ्योरम लगाते हैं, जब फोर्स साइड्स के अलोंग लगे होते हैं तो बल आघूर्ण लगाते हैं, ठीक है ना, और तीसरा जब बल पैरेलल लगे होते हैं भुजाओं पर तो फिर फार्मूला लगाते हैं हम, एक बल बाकी दो बलों की बीच की दूरी के समान पाती है, ठीक है ना। अगर आप चाहें प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए, अगर इन सेंटर है यानी तीन बल ऐसे लगे हैं त्रिभुज के शीर्षों पर समांतर में और परिणामी रिजल्टेंट से होके जा रहा है, तो फिर फार्मूला बनेगा P अपान A इक्वल टू Q अपान B इक्वल टू R अपान C। यहां भी इक्वल है, लामी के थ्योरम में भी इक्वल है, लेकिन बल आघूर्ण में सम है, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है एग्जाम में, अभी तक नहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए आपके एग्जाम में, तो भूलिएगा नहीं, मिस नहीं करिएगा बिल्कुल किसी भी तरीके से।
फिर जब सरकम सेंटर की बात करेगा तो सरकम सेंटर में कंडीशन इसकी हो जाएगी, सरकम सेंटर में कंडीशन हो जाएगी बल अपान साइन टू ए। सेम उसी तरीके का है जैसे आपने पढ़ा लामी थ्योरम में पढ़ा हुआ है इन सेंटर में, एग्जैक्टली उसी तरीके से बन जाएगा ये, सेम वही चीज है। वहां पर भी आपने पढ़ा है पी अपान साइन टू ए, क्यू अपान साइन टू ए, सब इक्वल है, वो भी ये भी इक्वल है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए डियर, जब आर्थो सेंटर की बात आएगी, ठीक है ना, जब आर्थो सेंटर की बात आएगी तो आर्थो सेंटर की कंडीशन जब होगी तो फिर बनेगा पी अपान टेन ए। ये बिल्कुल यूनिक है, ये आप नहीं भूल सकते क्योंकि किसी में टेन कॉट आया ही नहीं है, हर में साइन कॉस ही चल रहा है, सेक कॉस ऐसा चला। तो आर्थो सेंटर अगर आता है लेकिन कंडीशन वही है कि तीनों बल समांतर त्रिभुज के भुजाओं के शीर्ष त्रिभुज के शीर्षों पर लगे होंगे, समांतर क्रम में लगे होंगे, तो फिर परिणामी अगर उनका रिजल्ट उनका आर्थो सेंटर से होके जाता है, लंब केंद्र से होके जाता है। आर्थो सेंटर का मतलब क्या है, लंब केंद्र से होके जाता है, ठीक है ना। सरकम सेंटर का मतलब क्या है, परिकेंद्र से होकर के जाता है, और ये है केंद्र यानी अंतः केंद्र, ये वाला है अंतः केंद्र से होके जाता है तब, ठीक। तो अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र तीनों से होके जाता है, कंडीशन होगी। सेंट्रॉइड के लिए बहुत ही खास है, सेंट्रॉइड के लिए तो कुछ ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है ना। सेंट्रॉइड है अगर तो फिर तीनों बल बराबर ही होंगे, सेंट्रॉइड से होके जाएगा तो तीनों बल ही बराबर होंगे, ठीक है ना। पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, मतलब गुरुत्व केंद्र से, या केंद्रक भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, या फिर केंद्रक से होके जाता है, ठीक है ना डियर। तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पूरा आज दो लेक्चर में पूरा बढ़िया सा हो गया। अच्छी तरीके से दोनों को बढ़िया सा रिवाइज कर लीजिएगा। 12 कॉन्सेप्ट हमने बताया है, इसके बाद पैरेललोग्राम, ट्रायंगल रूल, उसका इनवर्स, लामी थ्योरम, ठीक है ना, बहुत सारे बल अगर लगे हुए हैं एक समांतर रेखा में, बलों का वियोजित भाग अलग अलग दिशाओं में, ये सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं दो लेक्चर में, ठीक है ना डियर, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में फिर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो रेडी रहिएगा क्योंकि इनके साथ क्वेश्चन होना भी जरूरी है, ठीक है डियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।